नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अंबाला छावनी और अंबाला शहर के तहसीलदारों की ओर से जानबूझकर जनता को परेशान करने के लिए नियमित कॉलोनी पर डीटीपी की एनओसी थोपने का आरोप लगाकर एनएलओ प्रदेश प्रवक्ता ओमकार सिंह ने वित्त कमिश्नर हरियाणा से मुलाकात की और सारी परिस्थितियों की जानकारी उन्हें दी। उन्होंने कहा कि शहरी नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम 1975 की धारा 7A लागू ही नहीं होती। इसके साथ ही नागरिक सुविधाएं अधिनियम 2016 की धारा 4 डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी के पत्र और डीटीपी अंबाला के पत्र से बिल्कुल स्पष्ट है कि धारा 7A के प्रावधान नियमित कॉलोनियों पर लागू ही नहीं होते। विचारणीय तथ्य ये है कि स्पष्ट प्रावधानों के पश्चात भी तहसीलदार अंबाला छावनी और अंबाला शहर क्यों जनता को परेशान कर रहे हैं, क्यों एक स्पष्ट और स्थापित कानून के लिए कभी उपयुक्त अंबाला और कभी वित्त कमिश्नर हरियाणा से राय ली जा रही है, क्या ये अधिकारी अंगूठा छाप और अनपढ़ हैं जिनसे स्पष्ट कानून की धाराएं ही नहीं पढ़ी जा रही। वित्त कमिश्नर हरियाणा VS कुंडू ने सारी स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात CTP हरियाणा से बात करके समस्या के बारे में स्पष्टीकरण देने को कहा और आश्वासन दिया कि सप्ताह के अंदर समस्या को हल कर दिया जाएगा। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। आज मैं बताना चाहता हूँ अंबाला कैंट और अंबाला शहर विशेष तौर पर यहाँ की जनता रजिस्ट्रियों के मुद्दे को लेकर बहुत परेशान है। रजिस्ट्री भी वो नहीं जो अवैध कॉलोनी की है, वो रजिस्ट्रियां जो वैध कॉलोनी के अप्रूव्ड कॉलोनी के हैं, जो सरकार ने स्वयं 2014 में 2018 में कॉलोनियां रेगुलर करी थी, उनकी रजिस्ट्री अंबाला कैंट वाले तहसीलदार सुरेश कुमार और अंबाला सिटी वाले तहसीलदार ने पहले तो इन्होंने लगभग 9 महीने पहले एक नई शर्त लगा दी कि DTP की NOC की आवश्यकता है रेगुलर कॉलोनियों के लिए। फिर हमने बहुत मेहनत करके DTP से एक लेटर जारी करवाया कि जो भी कॉलोनियां सरकार ने अप्रूव कर दी हैं उसके लिए NOC की आवश्यकता नहीं है। अब ये क्योंकि पंगेबाज तहसीलदार के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने एक नया लेटर DC को लिख दिया कि कृपया स्पष्ट करें रजिस्ट्री होनी है या नहीं होनी। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम 1975 में बना था, जब शहरी क्षेत्र हमारे डेवलप हुए थे, उस अधिनियम की धारा 7A के अनुसार जो क्षेत्र शहरी क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र है, नियंत्रित क्षेत्र है, वहां पे धारा 7A लगती है। और धारा 7A का कहना है कि आप नियंत्रित क्षेत्र की रजिस्ट्री के लिए DTP से NOC लोगे, लेकिन उसकी उपधारा 3 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो कॉलोनियां सरकार किसी भी नियम के तहत वैध कर देती है उन पर यह धारा नहीं लगती। DTP अंबाला ने यही लिख कर दे दिया कि यहाँ पे धारा नहीं लगती। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ वर्ष 2018 में खट्टर सरकार के द्वारा ही एक मीटिंग में प्रपोजल हुई, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया और DULB का लेटर 2018 का हमारे पास है जिसमें स्पष्ट है कि जो कॉलोनियां सरकार नियमित कर देती है उन कॉलोनियों में सेक्शन 7A नहीं, उन कॉलोनियों की रजिस्ट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ स्थानीय निकाय विभाग जो उससे संबंधित है उसकी NOC चाहिए। उसके बावजूद भी ये तहसीलदार जनता को परेशान करने पे लगे हैं और बहुत ही अफसोस की बात है। अंबाला में जन दरबार लगते हैं और बोला जाता है 6,000 लोगों की समस्याएं सुनी, 8,000 लोगों की समस्या सुनी। अरे भाई अंबाला कैंट की भी समस्या सुन लो, अंबाला शहर की भी समस्या सुन लो। ये दोनों तहसीलदार ना तो सीट पर बैठते हैं, जनता इनसे बहुत परेशान है, खून की आंसू रो रही है। इस मामले में मैं शुक्रवार को FCR हरियाणा के दफ्तर में गया, शुक्रवार उनसे अच्छी मुलाकात हुई, उनको मैंने सारी समस्या बताई और उन्होंने मेरी समस्या पर गौर करते हुए तुरंत CTPM हरियाणा को फोन किया भी ये जन मुद्दे की बात है, जनता परेशान है, इस पर बिल्कुल क्लियर कट आदेश आना चाहिए। और उन्होंने मेरे से वायदा किया, आश्वासन दिया कि ओंकार जी इसके ऊपर एक हफ्ते में आपकी रजिस्ट्री के ऊपर 100% स्पष्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।